नमस्कार, मैं एकता गहरवार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत ही खास शख्स, द यंगेस्ट योग गुरु डॉक्टर शिल्पा चन्ने। आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि इतनी कम उम्र में कोई योग गुरु कैसे बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर शिल्पा चन्ने ने अपने हुनर से, अपनी कड़ी मेहनत से ये उपाधि हासिल की है। आज वो एक आमरोली योगपीठ संस्थान चला रही है, साथ ही इस क्षेत्र में एक महिला होने के नाते उन्होंने अपना नाम काफ़ी आगे लाया है और ये महिलाओं के लिए एक सम्मान की बात है। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, यदि आपको आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्टेबल रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें सबसे पहले योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योगा से हम हमेशा खुश रहते हैं, मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। साथ ही आज के कोरोना काल में हमें सुरक्षित रहना है, एकदम फिट रहना है, तो हम कैसे रहें, योगाभ्यास कैसे करें, सात्विक आहार कैसे लें, इन सभी बातों पर हम आज डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैम से चर्चा करेंगे। मैम, हमारा पहला सवाल यही है कि आपने योगा की शुरुआत कैसे की? योगा की शुरुआत मैंने प्रोफेशनली आज से 10 साल पहले की थी। जी, और उसको मैंने पहले से, जब मैं छोटी थी तब से ऑलरेडी मेरे घर में दीक्षित है, ऑलरेडी सभी सत्संग करते हैं, गुरु दीक्षित है, तो जी वो सब मेरे जेंस में ही था कि मुझे पहले से इंटरेस्ट था कि मैं 7th स्टैंडर्ड में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, गुरु दीक्षा लिया, फिर धीरे धीरे इसमें फिर मुझे इंटरेस्ट जुड़ता गया। जी कॉलेज में आया तो फिर एक हेल्थ के रिलेटेड में ज़्यादा प्राणायाम करने लगे, तो अपने आप जो एक नेगेटिविटी थी या मुझे जो कुछ करना था, जैसे मुझे अगर कक्षा में पहला नंबर लाना था तो मैं ऑटोमेटिकली ला पाती थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट अंदर से आता था। बिल्कुल, मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करना था तो मैंने बहुत कम समय में हासिल कर लिया, तो जो भी ज़िंदगी में सोचती गई तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी मुझे मिलता गया। तो ये एक योग का एक पावर बोलिए या एक वो ऊर्जा बोलिए, कितने सालों से वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और उसको 10 साल पहले उसको मैंने प्रोफेशनल में डाला, और बिल्कुल आज मैं एज ए योग गुरु मेरे आमरोली योगपीठ में और इंस्टीट्यूट में भी मैं दोनों यहाँ पर सेवा देती जी हूँ। जी लेकिन आपने शुरुआत तो की, लेकिन सबसे पहले आपको प्रेरणा किससे मिली कि आपको लगा कि हमें ये सब करना चाहिए करके? वैसे तो प्रेरणा मुझे बहुत लोगों से मिली, मेरे ज़िंदगी में बहुत से गुरु है, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवलिंग किया है, तो अच्छा, ऐसे ट्रैवलिंग की इसमें बहुत से संस्थान आश्रमों के गुरु का मुझे मार्गदर्शन मिला। बिल्कुल जब मैं स्कूली शिक्षा करती थी तब आचार्यों का मिला, तो बिल्कुल मैं किसी एक को बोल नहीं सकती, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और उस जीवन बिल्कुल के इसमें मुझे अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया है, जी दीक्षा दी है और एक शिक्षा ग्रहण करके मुझे एक नया इंसान बनाया है। नए जी क्षेत्र में जाकर हम किस तरह से नए नए इस पर हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग प्रेरणादायक रहे हैं। और पहली बात तो अगर आप बोलना चाहेंगे तो मेरे खुद के पिताजी थे, क्योंकि डेली में उनको गुरु गीता पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए देखती थी, तो उनका आदर्श हमेशा मेरे सामने रहा है, जी जी कि जो मैंने एक प्रेरणा किस में मैं पहला मानती हूँ। जी अभी अभी आपने बताया मैम कि आप एक छोटे से गांव से हैं, तो छोटे से गांव से लेकर आज आप देश विदेशों तक पहुंची है, तो ये जो ट्रैवलिंग है आपका करने में आपको कई सारे पड़ाव पार करने पड़े होंगे, कई सारी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छी थी। पहली बात तो मैं जिस एरिया से हूँ, जी घुस चंद्रपुर, जहाँ पर मतलब पहले रहती थी, वहाँ पर 10 साल पहले ट्रैवलिंग करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जी वहाँ पर जाने के लिए एक पहले बस के एक टाइमिंग रहा करता था, और उस समय में मैंने इस क्षेत्र में पढ़ाई करना एक अलग सा एक चुनाव किया था, क्योंकि सभी लोग इसमें नहीं जाते थे, बिल्कुल सभी बिल्कुल लोग उस टाइम इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मैंने खुद के लिए इसका चुनाव किया। तो उस समय में जब मैं ट्रैवलिंग करती तो काफ़ी मुसीबतें का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसको भी मैंने एक टास्क के रूप में हंसते खेलते सामना किया, और आज बिल्कुल मैं हर साल में खुद के अंदर ग्रोथ देख रही हूँ। 2011 में क्या थी, 12 में क्या हुआ, फिर बाद में मैं एज अ टीचर लगी, फिर लेक्चरर हुई, फिर खुद का ये किया, तो हर साल मैं खुद में ग्रोथ देख रही हूँ। बिल्कुल घर को, घर वालों को भी पहले एक था कि योग में करके क्या मिलेगा, जी जी लेकिन मैंने बोला ये खुद के लिए मैं कर रही हूँ, जी मैं एज अ प्रोफेशन तो पहले वो था ही नहीं, 2011-12 में तो उतना था नहीं, 2014-15 में जब योग दिवस आया, मोदी जी आए, तो उन्होंने फिर इसको कॉन्ट्रेक्चुअल के इस पे जॉब के वैकेंसीज निकाले, फिर इसको लोगों को लगा कि नहीं ये रोजगार भी लोगों को देगा। जी तो जी एक छोटे से शहर से आज जो मैं एक भारत के हर एक इसमें जाकर जो मेरा एक वर्कशॉप चलता है, सेमिनार जी चलता है, और आज कोविड के समय मेरे इंटरनेशनल भी
सब कार्य चल रहे हैं, अलग अलग देशों में सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ हुआ एक आत्मविश्वास और एक विचार के कारण ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सब कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी, तो आपको कब लगा कि इसे प्रोफेशनल बनाना चाहिए? इस चीज़ को मैंने पहले से प्रोफेशन रखा था। अच्छा। बस जहाँ मुझे लगा, जैसे वृद्धाश्रम है, हैंडीकैप स्कूल है, मति मंदिर स्कूल है, जहाँ पर मेरे ज्ञान से इनको मैं सेवा दे सकती हूँ, तो वहाँ पर मैंने पैसा नहीं लिया, वहाँ पर मैं सेवा देते गई। और इस चीज़ को जैसे स्कूल्स में है एज ए योगा टीचर, तो मैं पहले से प्रोफेशनल इसमें ही थी, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, यंग है, तो हमको सब मैनेज करना है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ सेवा भी ज़रूरी है बट एक समय तक, तो मैंने इसको पहले से ही रखा है। जब से मैंने योग के क्षेत्र में एज अ प्रोफेशनल 2011 से ही मैं प्रोफेशनल हूँ, और अभी भी अलग अलग मैं खुद भी हूँ, और मेरे अंडर में मैंने ऐसे 150 से 200 विद्यार्थी तैयार किए हैं, जो खुद भी है, जो खुद भी 20-25 साल के हैं, अपना कॉलेज भी कर रहे हैं, साथ साथ आरोग्य वर्धनी में भी जॉब कर रहे हैं, उनका महीने का अच्छा खासा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने बच्चों को वेद पढ़ाया है, उपनिषद पढ़ाए हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि योगा के साथ साथ आध्यात्म भी ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, आज की जो जनरेशन है, जब हम लोग योगा को सिर्फ एक फिजिकली देखेंगे, योग मतलब क्या कि आसन करना, प्राणायाम करना, एक खुद को फिट रखने तक ही एक विचार सरनी होती है, लेकिन इसके भी परे है, क्योंकि वेद है, उपनिषद है, जो जीवन का पूरा सार है, ये दुनिया कैसे निर्मित हुई है, कहाँ विनाश हुआ है, आत्मा क्या है, जीवन कैसा है, मृत्यु कैसे होता है, जीवन में आज जो कुछ घटना हो रही है, जो हमको पता नहीं है, हमारा एक जो थिंकिंग लेवल होता है कि यही तक है कि नहीं, इतना ही जीवन है, ऐसा ही होना चाहिए, बस उसके भी जो बियॉन्ड है, वो सब कुछ हमें हमारे भारतीय संस्कृति के शास्त्र में बताया गया है, वेद और उपनिषद से आया है। बिल्कुल। जो 2017-18 में जब मैं आश्रम में बच्चों को पढ़ाती थी, वो एक अच्छा मेरे लिए समय था, क्योंकि मैं तब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया सभी इसमें नहीं थी, मैंने खुद को अलिप्त रखा था। एक उस समय में मेरा मुंडन भी हुआ था, तो अच्छा। सवेरे 3 बजे उठना, बच्चों को पढ़ाना, फिर अपनी साधना करना, योगा करना, फिर उन्हीं के साथ में एक सात्विक आहार लेना, फिर तो उनको भी मैंने चाहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, तो मुझे पता है कि बच्चे जो मॉडर्न वाले हैं वो कैसे रहते हैं, उनका कैसा लाइफस्टाइल है, वो क्या क्या नया सीखते हैं, तो वही चीजें मैंने वेदा वॉइस को भी पढ़ाने की कोशिश की। अच्छा। उनको भी समर कैंप में जो आज के नए बच्चे जो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब चीजें मैंने सिखाने की उनको पूरे पूरे प्रयत्न भी किया, पूरी तरह से उनको सिखाया भी, और आज वो अच्छे पुजारी के ऊपर अच्छा करियर भी कर रहे हैं अपने अपने जिले में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। साथ ही हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी इस कोरोना काल में नियमित योगाभ्यास कैसा करना चाहिए, हमें एकदम फिट रहना है, सुरक्षित रहना है, तो कौन कौन से आसन करना चाहिए? आसनों से भी ज़्यादा मैं आज के इस पर बोलना चाहूँ कि अपनी इम्यूनिटी पर आप पक्का ध्यान दें, और अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखें, क्योंकि आसन तो सिर्फ आपको मोटा होना है या पतला होना है वही तक आपको लगेगा कि नहीं बस इतना तक ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि योग को आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं, एक जीवन जीने का माध्यम बनाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले पड़े में हमारे परिवार में से या हमारे फैमिली में से कौन जाएगा, कौन रहेगा, क्योंकि अभी समय की सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि हम नहीं जानते, बट हर सिचुएशन में भी हम अगर यूनियन ऑफ द सेल्फ रहेंगे, हमारे अंदर से हम डेली अगर सकारात्मक ऊर्जा लेते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन कुछ भी आए, चाहे सुख की भरी हो या दुख की भरी हो, हम सभी इसमें योग समत्व उच्चते कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए आपको डेली एक समय निर्धारित करना है कि मुझे करना ही हो, जैसे भूख लगी है मैं खाना खा रही हूँ, प्यास लगी है मैं पानी पी रही हूँ, वैसे ही योग को आप आसन के स्वरूप में कीजिए, प्राणायाम कीजिए या ध्यान कीजिए, लेकिन उसके भी भरे है कि ये सब आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो अपने जीवन में विचार के स्वरूप में, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जरूर करें, ताकि आप डेली इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा घर पे आपको लैपटॉप का वर्क रहता है, या जो बच्चे हैं ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भी अगर आप समय निकालेंगे, कुछ आय एक्सरसाइज करेंगे, कुछ मेंटल योगा करेंगे, कुछ संगीत का मेडिटेशन करेंगे, स्वर साधना करेंगे, या आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए है तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पसंदीदा सॉन्ग पर आप डांस करेंगे, अच्छा स्वेटिंग होने के बाद में योग निद्रा करेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा भी आप डेली पे, क्योंकि योगा इतना वास्ट है, योगा में इतने आसन है कि पूरे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पशु है, जितने भी पूरे कुछ है, वो कल आसनों में आया है। अच्छा। जैसे गरुड़ आसन है, भुजंगासन है, भुजंगासन मतलब सर्प है ना, तो जो बाहर है वही सब कुछ योगा में दिया गया है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली सीखेंगे, दो दो मिनट का भी करेंगे,
तो आपको लगेगा कि मैंने कितना अच्छा किया, कल मैंने भुजंगासन किया, आज मैंने गरुड़ासन किया, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने मेडिटेशन किया, फिर मुझे ऐसा लगा। तो आपकी लाइफ आप देखो, क्योंकि हर दिन आप नया सीख रहे हो, आपको हर दिन लगेगा कि ईश्वर की कुदरती शक्ति आपको हर दिन अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रही है, अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, अच्छा सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है। और जो भी एक मान्यता बनाएगी ये समाज की, वो एक सकारात्मक की ओर जाएंगी, क्योंकि सकारात्मक समाज रहेगा, अच्छे लोग विचार करके, हम जैसा विचार करते हैं वैसी दुनिया चलती है। अगर हम सकारात्मकता से अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए सोचेंगे, अगर आप वैसा सोचेंगे तो वैसे ही दुनिया बनेगी। तो हमेशा वाइब्रेशन अपनी वैसी रखें, तो आज के समय में मैं चाहूंगी कि ये रखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर जो भी आज दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जो वर्किंग है, सबसे पहले तो एक ढाल ले कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है या बहुत ज्यादा कुछ भी हासिल करना है, सवेरे जल्दी उठना है। सूर्योदय होने के पहले अगर आप उठते हैं, आप रनिंग के लिए जाते हैं या वॉकिंग के लिए जाते हैं, योगा करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो करते हैं, तो आपकी वो सेहत बनाएगी, आपका एक बनेगा कि नहीं मैं ऐसा ऐसा, क्योंकि जो लोग 8 बजे तक सोते रहेंगे, 10 बजे तक, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, कुछ काम धाम तो है नहीं, इसलिए बस खाओ, लेट खाओ, वो वेब सीरीज बहुत 2 बजे तक देखते रहो, फिर सो जाओ, फिर सवेरे उठो। अगर आप इस तरह से करोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल है। आप हर चीज, अगर जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वो 2 साल बाद में टाइप करके देखेगा तो उसको सेम अवेलेबल रहेगा, लेकिन समय कभी नहीं आपका आएगा। समय बड़ा कीमती है, तो इस समय को आप फालतू के वेब सीरीज में बहुत ज़्यादा, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, या इसमें ना रहते हुए इस इंटरनेट का, मोबाइल का भी बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। और ये जो योग का जो मैडम ने भी क्वेश्चन किया है, उसको आप आंसर के स्वरूप में इतने जिंदगी भर आप आपको जी सकते हैं कि आप खुद ही जानोगे कि यस मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल मैम, आपने अभी अभी बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन जो अभी कोरोना काल चल रहा है, साथ ही जो थर्ड वेव आने वाली है, इससे लोग जो है काफ़ी डरे हुए हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कोरोना काल में हम 2 मिनट में या 5 मिनट में ऐसे कौन से आसन हैं हम कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके भी हमारे दर्शकों को बता सकती है। यस, अभी कोविड केस में जैसे अभी बरसाती समय चल रहा है, अभी विंटर भी आएगा, तो हमको देखना है कि हमारे बॉडी को हम किस तरह से इम्यूनिटी से अच्छा स्वस्थ रखें, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उसी को कुछ नहीं होगा। तो हमारा मेन है इसमें पहला अच्छा डाइट, आप क्या खाने में ले रहे हैं। अगर आप डेली वही वही चीज़ें ले रही है तो आपके बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको खाने में ऐसा लेना है कि जो आपके बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि जो आपके जीवा को अच्छा लगेगा वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये बात आप बना ले, जो हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा है वो आपको जीवा को कभी अच्छा नहीं लगेगा। और सवेरे उठे बराबर अच्छे जूस लेना है, अंकुरित अनाज खाना है, जैसे आप अगर ये लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। दोपहर में फिर आपको जो लगता है वो आपको जो मेन डाइट है आप ले सकते हैं। और शाम को एक थोड़ा हमारी जो हैबिट है कि ये खाना है वो खाना है, वो थोड़ा सा आपको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि सवेरे का ब्रेकफास्ट ये एक राजा की तरह होना चाहिए, भोजन ये प्रजा की तरह होना चाहिए, और रात का खाना एक भिखारी की तरह रहना, मतलब भिखारी मतलब एकदम हल्का रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आप उसमें सूप में भी ले सकते हैं, अच्छा दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। तो ऐसा अगर आप लगेगा तो आपको फिर जो आपको लगेगा कि मेरा वजन बढ़ रहा है, क्योंकि अब बहुत से लोग अभी वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं, तो वजन जो बढ़ने की दिक्कत है, अगर आप ये डाइट मेंटेन रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देन दूसरा, अभी इसमें बहुत अलग अलग बीमारी आ रही, इसका ये होगा ये होगा, जिसको देखो हमारे जीवन में जितने सांसें लिखी है हम उतने लेंगे। बिल्कुल। कहते हैं कि हम जितना हमारा जो जीवन मान होता है पहले से निर्धारित होता है, तो बहुत ज्यादा क्यों सोचना। आज जो प्रेजेंट में है हमारे हाथ में क्या है, अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट लेना, अच्छे विचार रखना, ये हमारे हाथ में है। तो ये नो डाउट हमें करना चाहिए, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बाद में ज्यादा चिंतित ना हो। बिल्कुल। क्योंकि चिंता करके कोई उस पर हम हासिल नहीं कर सकते। तो जो अभी है तो आपको देखना है कि कौन सा आसन आपके लिए बेस्ट है, ऐसे ठराविक कुछ चुनिंदा जो आसन है वो आप करें, प्राणायाम अच्छे करें, मेडिटेशन डेली रखें। तो आप इस थर्ड में क्या कौन से भी वेव आने दीजिए, अब अपने आप को बात स्ट्रांग ही रखेंगे। बिल्कुल, अभी अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हम एक्सरसाइज तो करेंगे ही, कभी कभी हमारा जो शेड्यूल रहता है, वर्किंग पीरियड रहता है, काफ़ी हेवी रहता है, हम काफ़ी थकान महसूस करते हैं।
तो दिन भर की थकान हम 2 मिनट में कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए। यस, 2 मिनट में अगर आपको एक अंदर से ऊर्जा लेनी हो तो एक टाइटन वाली प्रोसेस होती है। टाइटन केस में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बैठ कर हूँ तो अपने टोज से लेकर हेड तक मैं बॉडी को टाइट करूंगी, ठीक है। जैसे टाइटन योर होल लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एकदम टाइट कर लूंगी, टोज, नी कैप, बटक, टाइट टाइट टाइट, देन स्टमक, चेस्ट, हैंड, नेक, टाइट टाइट टाइट, एकदम टाइट कर लेना है। देन नेक, फेस, टाइटन 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 टाइटन, और सांस छोड़ते हुए शिथिल। यह हो गया पहला क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। दूसरा होता है, अगर अगर आपको पॉसिबल हो तो हर कुछ भी आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जी खाना खाने के बाद में अगर आपने जो भी खाना या जो भी कुछ पिया हो, जूस वगैरह, ऐसा पेट पर हाथ रखें। पेट पर हाथ रखकर हमारा शरीर अकारा, उकारा और मकारा से बना हुआ है। तो आप अगर आपको जितना सुविधा है, जैसे टाइम हो तो 3 बार उच्चारण करें, और ज्यादा टाइम है तो 9 बार भी कर सकते हैं। तो आपकी ड्यूरेशन के ऊपर आप डिपेंड है, लेकिन आप इसको 2 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पेट पर हाथ रखा और लंबी गहरी सांस लेकर अ का उच्चारण करना है। इस तरह से आपको जितना समय है उस हिसाब से आप कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल देन जिसको जैसे ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम रहता है, या श्वास भरकर आता है, या जिसको बहुत दिक्कत जाती है, जी जी ऐसे लोग इस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न सुधार सकते हैं। तो आपके जो आप जैसे हाथों को जब बाजू में लेकर जाएंगे तो सांस आपको लेना रहेगा, और जब आपके हाथ दोनों इधर सामने आएंगे तब सांस छोड़ना रहेगा। तो ऐसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको बस अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देना है। तो आप इसको ऊ के माध्यम से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको अजपा में मन ही मन दोहराना है। जपा अजपा दोनों भी करना है, पहले मुंह से बोलना है और बाद में मनोमय कोश में। और फिर मानसिक स्वरूप के लिए मकारा, इस तरह से राइट हैंड को नॉस्टिल के नीचे रखें। अजपा। और अगर आप लेट कर इसको कर सकते हैं तो इसे बिल्कुल कान बंद करके भी आप माँ का उच्चारण कर सकते हैं। वो भी आपको काफी, जो बच्चे हैं जिनको याददाश्त अच्छी नहीं है, जी, जिनको याद रखने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये अच्छा अकारा उकारा मकारा आप कर बिल्कुल। सकते हैं। हमारे दर्शक देखकर काफी सीख भी गए होंगे। हमें एक और पूछना है कि आज की जो जनरेशन है, काफी उन्हें बुरी आदतें हैं, व्यसन के आदि हो जाते हैं, साथ ही अगर कुछ हुआ तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी? यस, पहली बात तो युवाओं के लिए एक ना जो नई है उसके ऊपर एक उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे दिखाया, हाँ कोई चिलम पी रहा है ना, हाँ ये भगवान तो चिलम पीता है ना, मैं भी पीऊंगा, अच्छा है ना। भगवान भी आजकल युवा ऐसा ये बनाते हैं, आइडियल बनाते हैं कि ये गांजा पीता है ना, हाँ मैं भी ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये भांग पीता है ना, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान शिव ने जो आजकल के युवा उनको इसमें बताते हैं कि ये तो ऐसे ऐसा नहीं है, उन्होंने जहर भी पिया था, कि आप जहर पी सकते हैं, है ना। तो भगवान को लोगों ने अपने को जो अच्छा लगता है, बिल्कुल नॉनवेज भी कभी भगवान नहीं खाते, वो उनके अच्छा लगता है, उनके टेस्ट के लिए वो बना के रखा है। तो इस तरह से जो कुछ है, भगवान भगवान है, वो कभी भी इस तरह से नशा के इसमें कभी नहीं रह सकते। लोगों ने जो बनाया हुआ है उनको लगता है कि वो भगवान करते इसलिए हम करेंगे, तो ये एक मानसिकता गलत है एक्चुअली। बिल्कुल और दूसरी बात, जिनके भी घर में लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा व्यसन हो रहा है, या इसके लिए उनके कारणीभूत तो उनका घर का एटमोसफियर ही होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ही वो सब चीज लेते हैं, वो देख देख के बच्चों में आता है। तो जी पहली बात, ये सब शुरुआत उनके घर से होती है, फिर फ्रेंड सर्कल भी होता है, जो कि जी एक ले रहा है तो फिर वो भी दूसरा लेकर देखूँ या तीसरा लेकर देखूँ, या एक खर्रा खा रहा है तो दूसरा। तो
ये सब चीजें हैं। आज के युवाओं को मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आपको एक भी व्यसन रखना नहीं चाहिए जीवन में। अगर आपने किया भी होगा, चलो आपने ड्रिंक किया होगा, एक्सपीरियंस आ गया ना, स्मोकिंग किया है, एक्सपीरियंस हुआ ना, कैसे सांस लेते हुए आपको कैसा ये हुआ हुआ ना, तो उस चीज को एडिक्शन ना बना के छोड़ दो और आगे चलो। क्योंकि उसी चीज को आप अगर जीवन में लेते रहोगे कि नहीं मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा होना चाहिए, अब नहीं होगा, तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़ा कुछ बनना है तो आपको इन सबसे परे जाना होगा, क्योंकि जी आप जी अगर आपकी सराउंडिंग वैसे तो सराउंडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में मन नहीं लगेगा, बहुत से जैसे जो कुछ खाते हैं और एकदम से हैबिट अगर ये होगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर वो प्रयास करेंगे तो उनका जो हैबिट है वो भी छूट जाएगी। और बिल्कुल जो निर्व्यसनी है, क्योंकि निर्व्यसनी इंसान ही एक अच्छा पैसा भी कमा पाता है, उसको टिका भी पाता है। बिल्कुल क्योंकि पैसा कमाना तो हासिल करना या कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेता है, लेकिन बिल्कुल उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बिल्कुल चीज होती है। क्योंकि आजकल युवाओं में बहुत कम है, वरना आजकल आपने तो आशिकी 2 मूवी देखी होगी, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल था उसके पास में, लेकिन एक गंदी आदत उसकी होगी। हमारा इंडिया का सबसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके बिल्कुल माध्यम से बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपकी जो हैबिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिंदगी में आप सब कुछ कर लो अगर, लेकिन आपकी हैबिट अगर अच्छी नहीं है तो आप सब कुछ पाकर भी फिर से खो दोगे। बिल्कुल मैम, अभी भी पैंडेमिक चल रहा है तो इस कोरोना काल में कई युवाओं ने कई लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए और फिर लॉकडाउन लगा तो उनका बिजनेस जो है ठप हो गया। ऐसे स्थिति में वो एकदम डिप्रेशन में चले गए, उन्हें काफ़ी मानसिक समस्या से जूझना पड़ा। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेगी कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले? पहली बात तो इन कोविड की सिचुएशन में सरकार ने और सभी लोगों ने हेल्प किए हैं। बिल्कुल खाने के लिए तो कोई ये नहीं था, हर जगह से कहीं ना कहीं लोगों ने पैसे निकाल के दिए हैं, सरकार ने भी दिया है, तो आपको अन्न वस्त्र निवारा तो था ही। बहुत बिल्कुल ऐसे कम लोग थे जो डाउन इनमें उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसे संस्थान हैं जो हेल्प कर ही रहे हैं। देन बीच में जो होता है ना, ये हमारे ही ये होते हैं कि हमको ही ज्यादा कमाना है या ज्यादा हमारे जो प्लानिंग से, क्योंकि सभी ने प्लानिंग किए थे कि हमको 2020 में ऐसा करना था वैसा करना था, लेकिन सिचुएशन नहीं है, तो अभी जो हम कर सकते उस पर ध्यान दें, क्योंकि सारी दुनिया अभी ठप्प पड़ी है ना, कुछ कर नहीं पाते। तो ये बिल्कुल समय में आप खुद के जर्नी के ऊपर, खुद के सेल्फ के ऊपर आप कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़े, आध्यात्मिक कुछ नॉलेज ले, खुद की साधना करे, तो आप खुद का विकास कर सकते हैं। खुद का ऑटोमेटिकली आप ध्यान देंगे, डेली आप साधना करेंगे तो अपने आप आपको अंदर से आएगा कि बिल्कुल आपका जो भी बिजनेस कल तक नहीं भी चला होगा या आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आपके अंदर से आएगा, या मैं या हम बताने से नहीं होगा, जी क्योंकि आपके अंदर का बैठा जो भगवान है, आप डेली जब आंख बंद करोगे तो अपने आप सब कुछ आपके अंदर है जी ना। मैं कहूँ या जो भी समाज में सब होता है, सिर्फ माध्यम है, सबसे बड़ा ईश्वर कोई है तो वो खुद आप ही हो, तो अपने आप को समय दे। एक तो सवेरे दे सकते हैं या रात को दे सकते हैं सोने के बिल्कुल पहले, कितना भी समय व्यस्त क्यों ना हो, अगर आप ऐसे समय दोगे तो जिंदगी में कुछ भी हो आप स्टेबल रहोगे। क्योंकि बिल्कुल आज हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, बिल्कुल आज कोविड केस में हमारे पास में सब कुछ कम रहेगा चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के इसमें हमको भरपूर चाहिए है, बिल्कुल तो इस स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो इसलिए हमको इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप डांस विद योगा भी सिखाती है, तो आप लोगों को कैसे आकर्षित करती है कि डांस के साथ योगा, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, हमारे दर्शकों को बताइए। एक मराठी में आपको, अभी बरसात भी चल रही है, श्रावण भी हो रहा है, तो एक बताना चाहूंगी, थे मघुंगरू घुंगरू पाने डमरू डमरू पाउस आलागा आलागा पाउस आलागा। नेचर के साथ में खुद को ट्यून करना हर एक चीज, मैंने जाना कि सिर्फ योग से नहीं होगा, जब हम बिल्कुल संगीत नृत्य और योग तीनों को अगर ये करें तो सारा संसार आपको लगेगा कि ईश्वर ही है, बिल्कुल ईश्वर सिर्फ खुद में ही नहीं, आपको हर चीज आपको कनेक्ट होगी। तो बिल्कुल यह जो कनेक्शन है वो मुझे नृत्य के माध्यम से, क्योंकि नृत्य भी जब मैं स्टेज परफॉर्म करती थी भरतनाट्यम के इसमें, तो अपने आप जब डांस करते हुए मुझे एक एंड में, जैसे समाधि कहते हैं योग में, तो जी अपने आप में फील होता था, तो मैंने इस चीज को नृत्य संगीत और योग के माध्यम से आज रखा है। और आज काफी खुश हूँ कि कोविड में भले ही मैं जा नहीं सक रही हूँ, बट एक जगह रह के
मैं अलग अलग देशों के साथ में अपनी जो नॉलेज है, भारतीय संस्कृति है, जो नटराज का जो स्वरूप है, क्योंकि नटराज ने जो कर्ण के माध्यम से बताया था वो मैंने मेरे रिसर्च के माध्यम से आज मैं फॉरेंस के लोगों को टीच कर रही हूँ, तो ये काफी मेरे लिए यूनिक कंसेप्ट है जो इस समय में मैं लोगों को दे रही हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आपके जो इस क्षेत्र है स्पेशली योगा में यूथ अपना रोजगार देख सकते हैं क्या, या करियर बना सकते हैं क्या, हमारे दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, मैंने खुद करियर इसमें बनाया है, मैंने खुद इसमें अर्निंग भी की है, और मैंने अपने जीवन इस 10 साल के इसमें मैंने सब किया भी है। तो इसी से आपको बताना चाहूंगी कि जो भी युवा है इसको अगर आपको पार्ट टाइम लेना है पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, फुल टाइम लेना है फुल टाइम भी ले सकते हैं। आज केंद्र सरकार ने हर एक गांव में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब निकाले हैं आरोग्यवर्धनी में, 500 रुपये मानधन के हिसाब से हर गाँव में आप आरोग्यवर्धनी में योगा सिखाइए, उसका एक अच्छा कंसेप्ट है, उसका भी एक अर्निंग अच्छा होता है। आप अपना कॉलेज भी कर सकते हैं साथ साथ ये भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही घंटा आपको देना होता है। तो इस तरह से अगर आप इसमें पार्ट टाइम भी उतरेंगे तो धीरे धीरे जब आपका एजुकेशन होगा प्रोफेशनल तो आप इसको एज अ लेक्चरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि योगा में अभी UGC नेट भी आ चुका है, परमानेंट वैकेंसी भी निकल रहे हैं, आप वेलनेस सेक्टर में खुद के क्लासेस या बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो ये योगा कल तक जो ऋषियों मुनियों तक था उसको अभी प्रोफेशन में आ चुका है, तो हर कोई इंसान इसको कर सकता है। बिल्कुल। साथ ही मैम हमें एक पूछना है कि वर्किंग वुमेन के लिए अभी जो ये पीरियड है बहुत ही टास्किंग पीरियड है, कहने का मतलब ये है कि उनका वर्क फ्रॉम हो चुका है जनरली ज़्यादातर, तो उन महिलाओं को घर का भी काम करना पड़ता है, ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, साथ ही उनके बच्चे हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में महिलाओं ने अपने आप को कैसे समय देना चाहिए या फिर वो स्टेबल कैसे रहे, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए आप। यस, पहली बात तो मेरे सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमने एक बहुत एक मेंटेलिटी बनाए रखी है कि ये काम मम्मी ही करेगी, ये काम लेडीज नहीं करना चाहिए। तो आप भी घर में अर्न कर रहे हैं, आप भी सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं ही करूँगी तो होगा ऐसा मत रखिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको भी सिखा दीजिए कि ये आपको करना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग भी हैं तो उनको भी वो हैबिट रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप ही के ऊपर डिपेंड ना रहे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भारतीय इसमें देखा गया है निपानी भी लाना है तो नहीं ये ही लाएंगे या ऐसा ही करेंगे, अगर आप डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को तो आपको वो हेडेक नहीं होगा जी। और दूसरी चीज़, आपको जो भी पसंद है, अगर आपको डांस पसंद है, आपको योगा पसंद है, हेल्थ रिलेटेड आप जो कुछ भी करना चाहते हैं खुद के लिए समय निकालें। क्योंकि अगर अपने घर में वो पता रहना ही चाहिए, अगर मम्मी डांस करेगी मम्मी योगा करेगी तभी हमको अच्छा खाना बना के देगी वो खुश रहेगी। मम्मी ने अगर एक दिन योगा नहीं किया या एक दिन डांस नहीं किया मम्मी आज गुस्सा करेगी। स्पेशली मम्मी को कैसे खुश रखना है उनके बच्चों लिए ध्यान देना। हमारे घर में लोगों को पता रहना चाहिए, हस्बैंड को भी नहीं, आज इसने अपना वर्कआउट किया है ये किया है तभी अपना घर अच्छा रहेगा, अगर इसने मिस किया है तो नहीं। तो ये घर में ये सब होना चाहिए तभी हर सिचुएशन में हम स्ट्रांग रह पाएंगे। बिल्कुल, मतलब बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर की महिलाओं को सम्मान दे, उनके कार्यों को ये करे, अप्रिशिएट करे और उन्हें ढेर सारा प्यार दे। yes. ताकि वो खुश रहे, क्योंकि लेडीज कैसे मूड स्विंग भी काफी होते रहता है, सभी चीजों से जाना पड़ता है। तो इन सब चीज में अगर आप एक ही चीज को बोलेंगे कि नहीं इसको यही करना, जैसे आज की तारीख में देखिए अगर कोई मर्द ऑफिस से घर जाता है तो उसको गए बराबर उसको पानी मिलेगा चाय मिलेगा, लेकिन लेडीज जाती है तो उसको गए बराबर फ्रेश होकर उसको किचन में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो आज की कंडीशन में भी बदलना चाहिए, क्योंकि आज लेडीज भी उतना ही काम कर रही है जितना जेंट्स कर रहे हैं। तो आपको वो भेदभाव न रखते हुए, वो भी इंसान है, उसे भी एक अच्छी प्राइवेसी चाहिए, उसे भी अच्छा प्रेम चाहिए, उसे भी आप, क्योंकि आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। तो घर में अगर उस तरह का वातावरण रहेगा, सभी अगर योग करेंगे, सभी हेल्थ रिलेटेड वॉक पर जाएंगे या एक साथ समय बिताएंगे, तो निश्चित ही फैमिली भी अच्छी स्ट्रांग बनेगी और हमारा देश और समाज भी विकसित होगा। बिल्कुल। मैम आप जाते जाते जो न्यू से योगा सीख रहे हैं ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेगी? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को सिर्फ आप स्टेटस में या सोशल मीडिया में मैंने ये किया यहाँ तक इतना हुआ इतना के मत रखे, क्योंकि ये आपकी जर्नी चाहिए होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ इतना ही रखोगे कि नहीं मैंने एक बहुत आसन बहुत एडवांस तक कर लिया मतलब मैं बहुत ज्यादा योगी हो गया या सिद्ध पुरुष हो गया, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी लग जाती है योग समझने के लिए। ये सांस की प्रक्रिया है,
है ना, ये सांस की प्रक्रिया जुड़ने की प्रक्रिया है। तो नए सीखने वाले लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत ज्यादा दिखावे पर ना जाते हुए खुद की चेतना पर, खुद की आध्यात्मिक उन्नति पर आप ये करें, क्योंकि आपका जितना अंदर से विकास रहेगा उतना ही आप बाहर विकास कर पाओगे। बिल्कुल, जितना आपके अंदर में वो विचार एक रूप रहेगा, वरना अगर आपका यथा पिंड तथा ब्रह्मांड अगर सेम नहीं रहा तो फिर आपके भी लाइफ में डिप्रेशन आना है, फिर आपको भी हर कुछ जो कुछ सिचुएशंस लाइफ में बाकी लोग कर रहे हैं वो भी आपके लाइफ में आने हैं। तो अगर आप अपने आप को अलग ये करना चाहते हैं तो उसको वे ऑफ लाइफ बनाएं, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में अपना पृथ्वी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। और जो नए दर्शक है, जो नए योगा टीचर से, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इस, आपने इस क्षेत्र को करियर के स्वरूप में लिया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि हम समाज को एक जोड़ पा रहे हैं योग के माध्यम से। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि नियमित योगाभ्यास कैसा करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, साथ ही इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में 2 मिनट कैसे निकालने चाहिए, ऐसी कई सारी बातें हैं हमारे दर्शकों को बताई, साथ ही डांस विथ योगा ये नया कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे स्टूडियो में और हमारा आपका कीमती समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी एकता मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और BCN चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और सेवा का मौका देने के लिए। बिल्कुल, तो दर्शकों रोज योगा करिए और फिट रहिए, फिर मिलेंगे खास मुलाकात में किसी नए शख्स के साथ, तो देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।